कोलकाता रेप और मर्डर मामले में बढ़ा विवाद अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहां विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में मेडिकल से लेकर महिला संगठन तक इस अपराध के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस केस के चलते बंगाल में लंबे समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के बंद और आरोप से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। ममता ने कहा कि याद रखें, अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी चुप नहीं रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग से ना खेलने की सलाह दी। ममता ने आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने में बीजेपी का बड़ा हाथ है। ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरा सब्र टूट गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। ममता ने कहा कि हमने कहा था कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। ममता ने कोलकाता में हो रहे प्रदर्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग अपनी पार्टी की मदद से बंगाल में आग लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये हम नहीं होने देंगे, हम पीएम की कुर्सी हिला देंगे। ममता ने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति एक है। कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो पूरे देश में आग लगेगी।